वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ए इंग्लिश बाय आसना के। अच्छा जी, ये आज स्टूडेंट्स के ना रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं। अब मैं आपको बताती चलूँ कि किन स्टूडेंट्स के पास चांस है। ये स्टूडेंट ने एज अ फ्रेश कैंडिडेट अप्लाई किया था फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन 2023 एम ए इंग्लिश कॉम्पोजिट में, यानी कि इन्होंने 10 पेपर्स दिए थे, इन्होंने 5 पेपर्स क्लियर कर लिए। रिजल्ट में उनके लिखा हुआ है फेल, लेकिन लिखा हुआ है आगे एलिजिबल टू री अपियर इन पेपर 2, 3, 5, 6 एंड 9 टिल सेकेंड एनुअल 2024। इसका मतलब ये है कि अभी क्योंकि ये फर्स्ट एनुअल 2023 है, तो इनके पास सेकेंड एनुअल 2023, फर्स्ट एनुअल 2024 और सेकेंड एनुअल 2024, यानी कि नेक्स्ट 3 चांसेस अब इनके पास हैं। और ये नेक्स्ट 3 चांसेस में अपने 5 पेपर्स क्लियर कर सकती हैं, लेकिन इनको एज अ कॉम्पोजिट ही एडमिशन भेजना है। और जो फी इन्होंने कॉम्पोजिट पहले भेजी थी वही ये अब भेजेंगे, चाहे इनके 2 पेपर्स जो है उनमें सप्ली है चाहे एक में है, लेकिन इनको एडमिशन पूरा भेजना पड़ेगा कॉम्पोजिट का जो होता है। फिर यहाँ पे देखें, एक स्टूडेंट है उसका रिजल्ट ये लगा हुआ है, इसमें इन्होंने लास्ट चांस में ना ये ड्रामा 1 में जो है ये फेल हो गई है ये स्टूडेंट्स, ठीक है, लेकिन इनका लास्ट चांस था। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फेल एज अ होल एलिजिबल टू पा फेल इन कोर्सेज विद 2 स्पेशल चांसेस, ठीक है। अब ये फेल एज अ होल हो गई हैं, लेकिन इनको भी 2 चांसेस मिले हैं जो कि सेकेंड एनुअल 2024 तक हैं एज पर नोटिफिकेशन नंबर दिस 1, ठीक है। यानी कि जो स्टूडेंट्स जो हैं ये अभी सितंबर 28, 2023 में एक रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, ठीक है, जो कि पिछले साल की बात है, तो ये उनका रिजल्ट लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि इनको भी सेकेंड एनुअल 2024 तक इनको चांसेस मिल चुके हैं। ऑल्दो ये फेल हैं एज अ होल, लेकिन ये अपेयर हो सकती हैं, ठीक है। और 1 कोर्सेस एलिजिबल टू पास फेल्ड 1 कोर्सेस विद 2 स्पेशल चांसेस, ये जो इनका एक ड्रामा का पेपर फेल हुआ है इसमें ये अपेयर हो सकती हैं। तो आप लोग जो भी रिजल्ट देखेंगे आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि यहाँ पे चांसेस कितने लिखे हैं। तो बहुत सारे बच्चों को सरगोधा यूनिवर्सिटी ने चांसेस दिए हैं, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने एक ज्यादती कर दी स्टूडेंट्स के साथ कि जिन स्टूडेंट्स ने पार्ट 1 क्लियर किया था उनको एटलीस्ट पार्ट 2 के चांसेस देने चाहिए थे, जो कि उन्होंने नहीं दिए। लेकिन सरगोधा यूनिवर्सिटी ने आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उनकी एज पर नोटिफिकेशन दिस 1, तो उन्होंने चांसेस दिए हैं, और ये HEC से ही प्रूव्ड होता है, तो ही यूनिवर्सिटीज अनाउंस करती है, क्योंकि ये तमाम यूनिवर्सिटीज HEC के अंडर होती हैं। उसके अलावा जो HOD होते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, वो अनाउंसमेंट करते हैं कि रादर उनको MA MSc कंटिन्यू करना है या नहीं करना। पंजाब यूनिवर्सिटी ने MA MSc बैन तो किया ही सो किया, लेकिन जो सेकेंड पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के साथ जो एक ज्यादती हुई है वो तो बहुत ही ज्यादा इन्होंने कर दिया कि पार्ट 2 के स्टूडेंट्स को उन्होंने अलाउ ही नहीं किया, जबकि सरगोधा यूनिवर्सिटी ने पार्ट 2 के स्टूडेंट्स को और जो स्टूडेंट्स जिन्होंने कॉम्पोजिट में एडमिशन दिया था बेशक वो होली फेल हैं, लेकिन सरगोधा यूनिवर्सिटी ने उनको सेकेंड एनुअल 2024 तक चांसेस दे दिए हैं। तो वो स्टूडेंट्स जो हैं जो होली फेल भी हैं वो अपनी तैयारी रखें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।